गुजरात में नकल विरोधी कानून पास, गुजरात में पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना। आपको बता दें बड़ी अपडेट, जहां पर गुजरात के अंदर ये सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। गुजरात में पेपर लीक होने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, नकल करने पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान। गुजरात के अंदर ये नकल विरोधी कानून, राज्य में ये सख्त कानून बनाया गया है, 1 करोड़ का जुर्माना, इसी के साथ 10 साल की सजा का प्रावधान। तो गुजरात के अंदर आपको बता दें कि शिक्षा नीति के तहत पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए नकल को लेकर ये सख्त कानून, 10 साल की सजा का प्रावधान, इसी के साथ भारी भरकम जुर्माना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना राज्य में पेपर लीक होने पर लगेगा। गुजरात के अंदर सरकार की तरफ से शिक्षा व्यवस्था को लेकर नकल पर लगाम लगाने के लिए ये पूरा फैसला, नकल विरोधी कानून गुजरात के अंदर पास हुआ है। पेपर लीक होने पर 1 करोड़ का जुर्माना, इसी के साथ 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। और इस कानून के तहत आपको बता दें कि राज्य के अंदर किसी भी भर्ती परीक्षा और साथ ही किसी भी परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी पेपर लीक होता है तो सीधे तौर पर 1 करोड़ का हर्जाना भरना होगा, साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान भी राज्य के अंदर होगा। ये सख्त कानून, देश में ऐसा पहला राज्य गुजरात जहां पर इस तरीके का एक्शन, इस तरीके का कानून बनाया गया है और पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए इस सख्त कानून, नकल विरोधी कानून राज्य में पारित किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि राज्य गुजरात के अंदर ये नकल विरोधी कानून को मंजूरी मिल चुकी है, पेपर लीक होने पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान है।